नमस्कार एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। 1000वें दिन ऐसा यूक्रेन ने किया जिसकी उम्मीद दुनिया ने नहीं की थी। बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन ने दागी थी रशिया के ऊपर। 165 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल थी। हालांकि इससे पहले भी वो इजाजत अमेरिका से मांग रहा था, मिसाइल भी मांग रहा था कि साहब दे दीजिए। यूक्रेन मांग रहा था रशिया पर हमला करना, लेकिन अमेरिका की तरफ से वो मिसाइल नहीं दी जा रही थी। लेकिन बाइडेन ने जाते जाते ऐसा खेल कर दिया कि अब लग रहा है कि दुनिया कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। रूस की तरफ से परमाणु हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है और अब यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल भी रशिया की तरफ से दागी गई है। जैसे ही रशिया ने परमाणु हमले की धमकी दी और अपना डॉक्ट्राइन चेंज किया, तभी यूएस ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी यूक्रेन से। मतलब यूक्रेन से अपनी दुकान बंद कर अमेरिका भाग खड़ा हुआ। जैसे तालिबान से भागा वैसे ही यूक्रेन से भाग खड़ा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो अमेरिका है, या तो इसे पहले पता चल जाता है इन चीजों का कि हालात खराब होने वाले हैं। अफगानिस्तान में था, वहां तालिबान का कब्जा होने वाला था, वहां से वो छोड़ छाड़ कर सब कुछ भाग गया। अब इसने देख लिया कि तूने रायता तो फैला दिया है यूक्रेन में और रशिया के बीच में, अब बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन ने दाग दी, अब रशिया का जो पलटवार होगा वो झेलना मुश्किल होगा। इसी वजह से क्या अपनी दुकान बंद कर भाग गया है? नहीं, जिस वक्त आप ये खबर सुना रहे हैं, पहली बार इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है रूस ने यूक्रेन के खिलाफ। और इससे पहले रशिया ने धमकी दी है कि दिसंबर तक हम न्यूक्लियर वॉरहेड का भी इस्तेमाल करेंगे। ये बेहद खतरनाक है। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि CIA इज बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उससे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। कैसे? ये ISI को किसने पैदा किया था? ISIS को अमेरिका ने। अलकायदा को किसने पैदा किया था? अमेरिका ने। आप दुनिया के कोई भी बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए और उसका इतिहास खंगालिए, पता चल जाएगा। दरअसल जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? अब तक तो यूक्रेन बिल्कुल शांत था, बहुत एजुकेशन हब था वो, हमारे देश के भी बच्चे पढ़ने जाते थे, बहुत खूबसूरत देश, खूबसूरत लोग। फिर एक लड़का आता है जिसे टी शर्ट पहनाकर पूरे यूक्रेन में पदयात्रा कराया जाता है और वो लोगों को ये समझाता है कि हम बहुत तरक्की कर सकते हैं और हम सुरक्षित हो जाएंगे अगर हम नाटो देशों के साथ चले जाएंगे। संयोग से वो लड़का जेलेंस्की वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है और वो जिद ठान लेता है कि हम नाटो के पास चले जाएंगे। रूस अपने बॉर्डर पर, नाटो मतलब अमेरिकी सेना, कैसे बर्दाश्त कर ले कि नहीं कर पाएगा, उसके ठीक बॉर्डर पे अमेरिकी सेना हो। यही लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है। और बैकअप किसका था? उस लड़के का जो टी शर्ट पहनकर घूम रहा था, नाम जेलेंस्की था, बैकअप था अमेरिका का। तो पूरा षड्यंत्र अमेरिका ने रचा, पूरी फंडिंग अमेरिका ने की। हमारे देश में भी एक लड़का टी शर्ट पहन के घूम रहा था और ठीक उसी पैटर्न पे लोगों को समझा रहा था कि नरेंद्र मोदी के रहते भारतीय अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी और हमें अमेरिका की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखिए पैटर्न ये देखिए, अब हुआ क्या है, ध्यान से सुनेगा इस बात को। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां चुनाव जीत चुके हैं। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप को पद पर आना है। डोनाल्ड ट्रंप पद पर आए उससे पहले, ये मैं वहां ओबामा लॉबी बोलता हूं, बिडेन लॉबी, सब एक ही पार्टी के लोग हैं, ये इतना रायता फैला देना चाहते हैं कि ट्रंप को संभालते संभालते कई महीने गुजर जाए, हो सकता है सालों गुजर जाए। वो रशिया और यूक्रेन के बीच इस हद तक तनाव बढ़ा देना चाहते हैं कि उन्हें शांत करने में समय लग जाए। वो जो लॉबी है वहां पे, लेफ्ट लिबरल वोक इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं, वो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को इस हद तक खराब कर देना चाहता है कि ताकि ट्रंप को उसे संभालने में वर्षों लग जाए। इस बात को समझिए। अचानक आप देखिए कि कैसे यूक्रेन ने रशिया के भीतर घुस के मिसाइलें दाग दी। यूक्रेन की हिम्मत है कि नहीं? दम है। अमेरिका कर रहा है वो काम। कैसे अमेरिकी जज ने अडानी के खिलाफ जो फैसला सुनाया है, ट्रंप ने क्या कहा कि वो जज
घोर लेफ्टिस्ट जज है, रेडिकल लेफ्टिस्ट है, उसने कहा है। इन सब बातों को समझिए, ये वहां पे अमेरिका के जो जो भी ट्रंप के दोस्त हैं दुनिया में, उन सब के बीच संबंधों को इतना खराब कर देना चाहता है कि जब ट्रंप आए तो उन्हें विदेश नीति के मामले पर कम से कम चारों तरफ से फंसा हुआ महसूस करें। और इतना ही नहीं, वो लेफ्ट लिबरल वोक इकोसिस्टम अपॉइंटमेंट कर रहा है, वो जजों की नियुक्ति कर रहा है जाते जाते, वो हर इंपॉर्टेंट पद पे अपने लोगों को बिठा रहा है, इसलिए क्योंकि सरकार तो तुम्हारी होगी पर सिस्टम हमारा होगा। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता पंकज जी, एक तरफ तो यूक्रेन लगातार जो देश हैं जैसे भारत हुआ या और भी देश हैं मध्यस्थता की उनसे अपील करता है कि भैया युद्ध रुकवा दीजिए, अब मैं नहीं लड़ सकता, ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल दागना। नहीं, यूक्रेन ने नहीं दागा है, ये रशिया ने दागा है। नहीं, पहले शुरुआत तो बैलिस्टिक मिसाइल दागने की, मिसाइल जो दागे गए थे ना, मैं बार बार बोलता हूं कि यूक्रेन के लोग युद्ध नहीं चाहते, रूस के लोग युद्ध नहीं चाहते, पर कुछ ऐसे लोग हैं जब दुनिया में कहीं युद्ध नहीं हो तो उनका हथियार नहीं बिकता, और इसलिए वो चाहते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे, तभी तो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी। बिल्कुल, अगर कहीं वॉर नहीं होगा तो उनके हथियारों को खरीदेगा कौन, और वो भी इमरजेंसी में खरीदना पड़ता है। जब इमरजेंसी में खरीदेंगे वॉर के समय, तो ये अपने मनमाना कीमत पे बेचेंगे उसे, मदद के नाम पे बेचेंगे कि मैं तुम्हें लोन देता हूं या फिर कर्ज ये रख लो, ताकि कभी ना कभी तो वसूल करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी लड़ाई मैं बार बार बोलता हूं धंधे की लड़ाई है, बिजनेस। अमेरिका का डिफेंस सेक्टर बिजनेस करता है, वॉर का बिजनेस, टेररिज्म का बिजनेस, ऑयल का बिजनेस, फार्मा का बिजनेस, और ये सारे डीप स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। वो कैसे किसी देश में जाके खराब करना है स्थिति, कैसे एक देश को दूसरे देशों के साथ लड़ा देना है ताकि मेरा धंधा चलता रहे। एक बात और मैं बता रहा हूं जो कि शायद भारतीय दर्शकों को पता नहीं हो, पिछले 7 साल, यहां पिछले 7 साल से पेंटागन ने अपने ऑडिट नहीं करवाए हैं। पेंटागन अमेरिका का जो डिफेंस मुख्यालय है उसे कहते हैं, 7 साल से ऑडिट नहीं कराया है, और पता है ये कितने बड़ा घोटाला है, $584 बिलियन, पता ही नहीं कितने पैसे गए कहां, किसी को नहीं पता। उसी सबसे ध्यान हटाने के लिए, चूंकि सरकार बदल गई, अब जब तक बिडेन वगैरह थे तब तो कोई दिक्कत नहीं था, और आरोप यह है कि इतने पैसे पेंटागन ने डीप स्टेट के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों को डिस्टर्ब करने के लिए लगाया है, $584 बिलियन। आप जाके खबरें पढ़ लीजिए, मैं कटिंग दे देता हूं आपको, वो लगवा दीजिएगा। और $584 बिलियन जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए, वो ईरान इजराइल में तनाव भड़काने के लिए, वो अरब देशों में तनाव भड़काने के लिए, भारत के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स वॉर के लिए, रशिया यूक्रेन के युद्ध के लिए, इस तरह तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह है डीप स्टेट। डीप स्टेट का सोरोस अपने घर से अपने बाप का पैसा लगा रहा है भारत में? नहीं, उसे कहीं ना कहीं से मिल रहा है, कुछ पैसे वो खुद कमाता है, कुछ सीक्रेट लोग हैं जिन्हें डीप स्टेट ही कहेंगे, या फिर कुछ ऐसे अमेरिका में है वो उसे पैसे प्रोवाइड करते हैं अपने मिशन के लिए, 5 साल 10 साल 20 साल आय का मिशन। बांग्लादेश में सत्ता पलटने के लिए पैसे नहीं लगे हैं? बिल्कुल लगे हैं। भारत में स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए पैसे नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल। क्या भारत को ट्रेड कॉमर्स जो बिजनेस है बाजार, इसको धराशायी करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे कोई ना कोई नहीं लगा रहा? जॉर्ज सोरोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना कि भारत में मोदी सरकार को हटाने के लिए मैं $2 बिलियन दूंगा। कहां से देगा? या तो शॉर्ट सेलिंग से जो करवा रहा है, या फिर कोई ना कोई उसे पैसे दे रहा होगा। बिल्कुल, मैं उस रिपोर्ट को आपको भेज रहा हूं कि कैसे $854 बिलियन का कोई हिसाब किताब नहीं है पेंटागन के का, जो कोई उसका अभी ऑडिट ही नहीं हुआ। बिल्कुल, ट्रंप साहब ने भी आती बात कही थी कि यूक्रेन के पास हमारा पैसा क्यों जा रहा है, रूस से यूक्रेन अगर युद्ध लड़ रहा है तो हम पैसा क्यों दे रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा यूक्रेन ऐसे गोला बारूद में बर्बाद क्यों करा है। लेकिन अमेरिका की धोखेबाजी एक बार फिर सामने आई, दुनिया को समझने की जरूरत है कि जिस यूक्रेन के पीछे खड़ा होकर उसने रशिया को चुनौती दी, बैलिस्टिक मिसाइलें तक डलवाई, अब वही अपनी एम्बेसी बंद कर वहां से भाग खड़ा हुआ, इटली भी वहां से भाग गया है, बाकी उसके जो और रशिया के बॉर्डर स्टेट जो लगते हैं, बॉर्डर के जो देश लगते हैं, उन्होंने भी अपने देशों में अलर्ट जारी कर दिया है कि परमाणु हमले से कैसे बचना है, अपने लोगों को सुरक्षित रहने के लिए 72 से 78 घंटे 3 दिन 4 दिन के लिए सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है, कई देशों में एडवाइजरी जारी कर दी गई। जी पंकज, आखिरी पॉइंट मैं भारत के दर्शकों को बताना चाहता हूं, CIA के पूर्व डायरेक्टर ने
यह कहा था कि ट्रंप का आना हमारे लिए डिजास्टर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप का रिकॉर्ड है, अकेले अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने सबसे कम युद्ध लड़ा है। कोई युद्ध ही नहीं लड़ा उनके 5 साल में, अमेरिका ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, जबकि ओबामा के समय सबसे ज्यादा लड़ा और फिर उसके बाद बाइडेन के समय, बाइडेन के समय फिर। तो ये सिर्फ आग लगाना है, अपना व्यापार चमकाना है, अपना हथियार और जो और बाकी सेक्टर्स हैं उन्हें चमकाने के लिए अमेरिका ये दुनिया को अस्थिर करने की राजनीति अक्सर करता रहता है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को समझने की जरूरत है, जिस तरीके से एक टी शर्ट वाले भाई साहब की बात पंकज जी ने की है उस पर सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है। बाकी ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।